अच्छा ऑयल इसमें एकदम हल्का सा, एकदम हल्का सा ऑयल लीजिए, ऑयल की कोई सूप है, सूप में ऑयल कम ही रहेगा। हाँ, और हम लोग सर मंचूरियन सॉस शिमला मिर्ची डाल दिए, शिमला मिर्ची हल्का सा। ये कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? एक लोगों के लिए सर, सिर्फ एक। अच्छा, एक सूप बनाना है तो जी। और ये बनाना, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी डालना है। आप ये पत्ता गोभी डाल दिए सर, एक प्लेट सूप बना रहे हैं, एक बॉल सूप बना रहे हैं। ज्यादातर के क्वांटिटी में बनाते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे ये अभी स्पेशली बना रहे हैं, स्पेशली बन रहा है जी जी। अब इसमें डाल दिए थोड़ा सा पानी, ये हल्का फ्राई, हल्का सा पानी डालना है इसमें, हल्का सा डालना है विनेगर, देखिए विनेगर डाल देते हैं। ओके ठीक है, अब इसमें डाल दिए डार्क सोया सॉस। ओके, हल्का सा विनेगर, हल्का सा डार्क सोया सॉस, ठीक है। एंड वी हैव द मंचूरियन सूप बना रहे हैं, मंचूरियन देख लीजिए सर, सोया सॉस डाला गया है जी। अब इसमें हल्का सा सॉल्ट डालना है, हल्का सा सॉल्ट डालिए जितना हो सके, और उससे हल्का सा चाइनीज सॉल्ट, चाइनीज सॉल्ट, ये हो गया सर। ओके, अब इसमें हल्के से तीखा करने के लिए सर इसमें स्पाइसी आप बनाने के लिए मिर्ची भी डाल देंगे, डाल दीजिए, ठीक है। ओके, हल्की सी मिर्ची डाली है जी। एंड ये देखिए क्या बात है, सो हियर वी हैव द सूप व्हिच इज गेटिंग रेडी। एंड यहाँ पे अब आप लेंगे जी, ये लेंगे कॉर्नफ्लावर, इसको गाढ़ा करने के लिए, थिकनिंग के लिए, जैसे कि कॉर्नफ्लावर जी, ये हल्का सा लिया है। ओके, सो ये थिकनिंग के लिए कॉर्नफ्लावर, उसमें पानी डाला है जी। और जैसे कि गट्टे ना पड़े, गट्टे पड़ जाएंगे अगर आपने डायरेक्टली अगर डाल दिया, तो इसके लिए जी ठंडे पानी में इसका पेस्ट पहले ही बनाना होता है। ठंडे पानी में पेस्ट बना लिए, और ये आपने डाल दिए सर, सो दिस इज द मंचूरियन सूप। अच्छा, और यही अगर और गाढ़ा कर दे तो मंचूरियन ग्रेवी भी बन जाएगी, चिकन डाल दीजिए जी सर, गाढ़ा कर दीजिए इसको, गाढ़ा कर दीजिए, चिकन मंचूरियन बन गया, मंचूरियन बन गया। अब इसको आप देखिए, इसमें किसी को ज़्यादा स्पाइसी लगता है तो थोड़ा शेजवान, ये शेजवान सॉस भी डाल दिया है। ओके, तो ये टकाटक स्पाइसी, ये लीजिए सर, और ये दिखाइएगा, ये देखिए जी। सो ये अगर आज आप पहली बार हमारा शो देख रहे हैं या पहली बार एपिसोड देख रहे हैं, तो ये है मंचूरियन, ये जो हमारे चाइनीज पकौड़ा है ये डाला है। अब आप बोलेंगे चाइनीज पकौड़ा कैसे बनता है, तो हमारी रेसिपी है, ओके, वी विल शेयर द लिंक, जो सुखदेव जी ने बनाया चाइनीज पकौड़ा, उसकी भी रेसिपी आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगी। एंड हियर वी हैव द सूप रेडी हो गया जी। ये आप रेडी हो गया, एंड इट्स देयर विद द चाइनीज पकौड़ा, तो मंचूरियन बॉल्स बोल दीजिए, गर्मा गर्म है। और थैंक यू करना चाहेंगे दो वजह से, एक तो इसमें सोया सॉस आ गया, इसमें आए हैं फ्राइड नूडल, अरे मतलब 20 रुपए में और क्या क्या डालोगे आप, फ्राइड नूडल भी आ गया जी। फ्राइड नूडल आपको बता दूँ, बॉइल्ड नूडल्स को आप अगर हल्का सा फ्राई करेंगे तो फ्राइड नूडल्स हो जाता है। और यहाँ पे डिमांड देखो, फ्राइड राइस की भी अभी ऑर्डर आ गया, नूडल का भी ऑर्डर आ गया। हाँ सर, दो बार थैंक यू इसलिए कहेंगे क्योंकि सर्दियों का सीज़न आ गया है जी। सर्दियों के सीज़न में सोया सॉस वाला ये आपका जो मंचूरियन सूप है जी, ये आपको गर्माहट देगा। ऑल्दो मुंबई में ठंडी के मौसम में इतनी गर्मी नहीं है, द सूप इज़ वे टू हॉट, बट आई विल ट्राई इट एंड लेट यू नो। चटकदार है, बहुत बढ़िया बनाया है यार सुखदेव जी, बहुत बढ़िया बनाया है, धन्यवाद। मतलब मानो या ना मानो, ये तो आप घर पे ट्राई करोगे, बट बंदे के हाथ में टेस्ट है। ओके, एंड दिस इज अमेजिंग, आई लव द सूप। द बेस्ट पार्ट इज सर्दी के मौसम में 20 रुपए में आपको, या तो आप यहाँ पे आके सूप पी लीजिए, या तो घर पे बनाइए कम से कम सामग्री का इस्तेमाल करके। सर आप चाइना जाओगे ना सुखदीप जी, आग लगा दोगे। देसी चाइनीज रॉक्स मैन, देसी चाइनीज है। और एक और बार यहाँ पे ये जो मंचूरियन बॉल वो कह रहे हैं, या चाइनीज पकोड़ा, ये हमारे DOP साहब भी खा रहे थे थोड़ी देर पहले, इसकी रेसिपी भी है, लिंक में ही है, नीचे देख लो डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। भाई राइस बनाओ, फैंटास्टिक।
बॉइल चिकन डाल दिया तो चिकन मंचूरियन हो जाएगा, मंचूरियन सूप बहुत बढ़िया, मंचूरियन सूप है ना, चिकन मंचूरियन सूप अमेजिंग, अ थम्स अप वंस अगेन, सुखदेव जी ने हमारा दिल जीता एंड आई एम श्योर आप सभी का भी दिल जीतेंगे, ज़रूर आइएगा ओशिवारा में और यहाँ पे इनके ये जो चाइनीज़ फूड है ज़रूर ट्राई करिएगा, नहीं आ पाएंगे तो घर पे ट्राई करें क्योंकि आप खुल चुका है रहस्य, रहस्य रास्ते के जाएगा।